चीकू बेल मत बजा, मुझे पता है कि तू ही है। गुड मॉर्निंग पारुल आंटी, आज क्या बनाया है? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। अच्छे जी चलो। सॉरी पारुल बहन, रोजाना आप ही के घर आके खाता है ना, मेरे हाथ का बना उसके पसंद ही नहीं है। काश उसकी माँ आज होती। बहन बोलता फॉर्मेलिटी करते हैं। अरे हमारे घर में टिफिन के अलावा हम सबके लिए और इन बच्चों के लिए तो खाना बनता ही है ना, और चीकू के लिए तो स्पेशली। तुम नहीं होती तो मैं इसे किसके पास छोड़ के जाता जॉब करने के लिए? चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। हाय। हाय दीदी। आज निधि थोड़ा लेट सो के उठी है तो ब्रश वगैरह तो हो गया, तो प्लीज तुम नहला दोगी? अरे आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दीदी एहसान की कोई बात नहीं, संजीव की लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी तो हमें एक क्रेच खोलना पड़ा, और अगर आप जैसे पेरेंट्स हम पर विश्वास करके अपने बच्चों को हमारे पास नहीं सौंपते ना, तो पता नहीं क्या होता। इसको संभाल लो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाय बाय। चलो कम ऑन। चंदा। दीदी आज मैं ना 3 बजे ही जाने वाली हूँ, अंगद को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना, इसलिए। अंगद की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है दीदी, वो अपने हाथ से खाना भी खाने लगा है। 15 साल का हो गया है ना, फिर भी बच्चों की तरह हरकतें करता है। अरे दीदी क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगी, छोड़ो। निधि का नहाना हो गया? हाँ हो गया दीदी। और बिट्टू? अरे बिट्टू का भी हो गया, उठ के खेलने भी गया बच्चों के साथ। बिट्टू जी आज मम्मा को नो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। आज पराठा खाएगा? यस मम्मा, खूब सारे बटर के साथ। बहुत सारे बटर के साथ, डन। दीदी हा? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हा? नहीं मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं एक काम करती हूँ, अंगद का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आज का कैंसिल करवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा, देखना एकदम फटफटा है ना। ऐसे ही हंसते रहो, बहुत अच्छी दिखती हो। अच्छा चंदा सुनना, एक काम कर, तू बच्चों को बाहर संभाल, मुझे ना बाहर से कुछ काम है, मैं आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। ठीक है दीदी। सामान लाए। हेलो, कहाँ क्या जा रही हो? सीधा घर पहुँचो। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि पेमेंट लिए बिना घर पे मत आना। ये पेमेंट गया बाहर में, कहा ना घर पहुँचो, और बिट्टू ने जो गेम कहा था वो उसके लिए लेते आना। सुबह तो कह रही थी कि गेम बहुत महंगा है, बिट्टू बिगड़ जाएगा। सीधा घर पहुँचो बस। जो हुक्म में। आराम से आराम से आराम से आराम से। अच्छा लो फेंको, चलो फेंको। चंदा बच्चों को उनका फेवरेट कार्टून लगा दो। हाँ दीदी। और देखना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा साहब आए ना तो उन्हें तुरंत मेरे पास भेज देना। ठीक है दीदी। चलो बच्चों कार्टून कौन देखेगा? चलो 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 चलो।
चंदा। हाय बच्चो। हेलो चंदा, कहाँ है तुम्हारी दीदी? बेडरूम में। हाँ बिट्टू यहाँ आओ बेटा, ये आपको चाहिए था। थैंक यू पापा, इसे मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखाऊं? जाओ ये देखो। अंदर आ जाओ। क्या बात है इतनी जल्दी? ये सब क्या है फिर से? अभी खत्म कहाँ हुआ? बैठो बैठो। तो क्या हो गया, तुमने कोई इंग्लिश फिल्म तो नहीं देख ली? फिल्म तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, कम से कम पैर तो खोल दो। तो, सच में बोलते बहुत। हमारे कत्ल का सामान भी है यहाँ पे। चंदा तुझे तो जाना था ना, बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ। तू जा, कल टाइम से आ जा। हाँ ठीक है। हेलो सर, मैं पारुल शर्मा बोल रही हूँ, ज्वारा कंपाउंड इंदौर से। मैं यहाँ बच्चों को संभालने के लिए क्रेच चलाती हूँ। कंप्लेंट क्या है? मैंने यहाँ के सारे 10 बच्चों को बंधक बना लिया है। जावरा कंपाउंड के एक झूला घर में बच्चों को बंधक बनाया गया, प्लीज उसे चेक करें और हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करें। डिटेल्स आपको भेज दिए गए। हाँ अंगद बेटा, आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे वो दीदी के घर पे ना पर्स भूल गई जल्दबाजी में, हाँ तो वही लेने आ रही हूँ और यहाँ से पर्स लेके ही निकल आऊंगी घर पे। ठीक है। हेलो। हाँ मैं बाद में फोन करती। ये पारुल क्रेश मतलब पारुल का झूला घर यही है क्या? इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई देता, मैं यही पे काम करती हूँ। देखिए हमारे पास शिकायत आई है कि यहाँ किसी ने कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा है जबरदस्ती। ओ सर जी, यहाँ पे बच्चों के माँ बाप है ना, उनकी मर्जी से छोड़ के चले जाते, कोई जबरदस्ती नहीं करते। Sure? एक औरत ने 10 बच्चों को बंदी बना लिया है और एक कांस्टेबल की हत्या भी कर दिया है। ये तो बहुत संजीदा मामला है। कौन है इंचार्ज? यस सर, एएसपी राकेश श्रीवास्तव सर, आई एम इंचार्ज सर। डोंट वरी सर, आई विल टेक कंट्रोल। यस सर। क्या रिपोर्ट है? आइए सर। अरे क्या है? बंद करो ये मजाक, पागलपन की हद होती कोई? वो तुमने गोली चलाई? हाँ, और एक कांस्टेबल को मार डाला। बंद करो ये बकवास, मुझे खोलो यहाँ से। अरे यार मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें समझा सकूं, बस इतना याद रखो कि अगर जिंदा रहना है ना तो चुप रहो, वरना। वरना क्या, अपने पति को मारोगी? जरूरत पड़ी तो। हाँ मैं कह रहा हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर अंदर से घर लॉक्ड है, अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। सर गोली घर के उस खिड़की से चली।
सीधे कांस्टेबल की पीठ पर लगी। आई एम सॉरी सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, बचाने का मौका ही नहीं मिला। श्योर गोली इतने डिस्टेंस पे मार्क पे लगी? मतलब तुम्हें रियली लगता है अंदर कोई लड़की है या कोई हार्डकोर क्रिमिनल, कोई शार्प शूटर नहीं है? हमने टेंपरेरी कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है, अब पारुल के सारे कॉल्स वही आएंगे डायरेक्ट वाया हेडक्वार्टर। गुड गुड, लेट्स गो। सो सर, प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद पारुल के खिलाफ कोई सस्पिशियस मैटर तो नहीं मिला, लगता है लड़की क्लीन है। तो उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई, उसके बाद से दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। सर उसका बेटा बिट्टू, वो भी बाकी बच्चों के साथ घर में कैद है, और ये लोग इस काम के साथ साथ आसपास के घरों में टिफिन भी पहुंचाते हैं। संजीव जल्दी करो, डिलीवरी भी करनी है। एक काम करो, आसपास के घर खाली करवाओ और जहां जहां टिफिन भेजा जाता है ना वहां बात करो, और एक टीम रेडी करो जो पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करें और हमें तुरंत रिपोर्ट करें। सब अब देखो कैसे करना है आपने। एम एंड थ्रो। चलो लेकर आओ, लेकर आओ, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस 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 यस, इज वेरी गुड। चलो ठीक है, तुम वॉशरूम जाओ, मैं चंदा मौसी को भेजती हूँ। जाओ चलो जाओ चंदा, तुम वॉशरूम में उसे जाके अटेंड कर, समझी? पारुल ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन पारुल आखिर चाहती क्या है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। आइए बात करते हैं ऑफिस। सर एक सवाल, सर देखिए देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सिचुएशन जो है वो काफी तनावपूर्ण है, लेकिन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी सर, एक आखिरी सवाल सर। रुक जाइए आप लोग, प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए, आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा साइड में आइए। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये कि एक मामूली सी लड़की जो बच्चों का एक क्रश चलाती है, खुद एक माँ है, वो छोटे बच्चों को कैसे हॉस्टेज बना सकती है? क्या वो ये अपने मर्जी से कर रही है या फिर किसी के दबाव में? उसके पति का क्या रोल है ये पूरे घटनाक्रम में? जो भी हो, वजह कोई छोटी मोटी तो नहीं है, और इसके पीछे जो भी मोटिवेशन है वो फिलहाल हमारे समझ के बाहर है। 10 बच्चे हिरासत में हैं, साथ में चंदा मौसी भी, सबकी जान खतरे में है। पता है हमारे लिए सबसे आसान क्या है? पूरे फोर्स के साथ एक सडन अटैक, 5 मिनट में पारुल हमारे कब्जे में। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि द इजीएस्ट ऑप्शन इज नॉट ऑलवेज द राइट ऑप्शन, सो वी वेट एंड वॉच। प्रिया, यस सर। जिस टीम को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट क्या है? सर वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ये पारुल और संजीव के बारे में कुछ जानते हैं? सर संजीव एक बहुत जेंटलमैन आदमी था, शांत स्वभाव, मेरा कलीग भी था सर। लॉकडाउन में बेचारे की नौकरी चली गई। विश्वास नहीं होता मैडम, पारुल तो बहुत अच्छे औरत है। राजीव सर, क्या प्लान है? सर यहाँ के वॉचमैन की मदद से हमने इस घर का एक नक्शा बनवा लिया है, कुछ कॉन्स्टेबल्स को लेके मैं घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करो, लेकिन पहले रिहर्सल और रन थ्रू कर लो, इनको कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बी वेरी केयरफुल बिकॉज अंदर मासूम बच्चे हैं। सर एटलीस्ट ट्राई तो करूं। जस्ट बी केयरफुल राजदीप। सो
Pass the call. Hello, ASP Rakesh Srivastav speaking. Hello, sir. मेरा मना करने के बावजूद आपने अपनी टीम मेरे घर की खिड़की तक भेजी और जो पुलिस वाला मेरे घर के अंदर तांचा कर रहा है ना, सबसे पहले तो उसकी बलि चढ़ाती हूँ। No! Come back! Cover करो! Come back! मेरा निशाना बहुत कम चूकता है सर। अब मेरी डिमांड सुनिए। पूरे 6 घंटे हो गए बच्चों को हॉस्टेज बनाए हुए और अभी शाम के 6 बजे। अगले 4 घंटे में मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला शिकार कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि यहाँ रह रहे कोई मासूम बच्चे में से एक होगा। देखिए हमें पता है कि सिचुएशन सही नहीं है लेकिन यकीन मानिए हम एक एक बच्चे को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। I can't believe this. सर, निधि के लिए पारुल मुझसे भी बढ़कर है। सर, पारुल मेरी बहन जैसी है और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, उसके बिना मैं चीकू को संभाल नहीं पाता। सर, मैंने सभी पेरेंट्स से बात कर ली है लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पारुल घर के अंदर बैठ के इतना सब कुछ कर सकती है। अच्छा सर, जैन, डोंट वरी, मेरी बात हो गई है। हमारे गवर्नमेंट ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए हैं, सो नाउ वी कैन बाय सम टाइम। सर, मैंने अकाउंट की जांच करवाई है सर। देयर ऑफशोर अकाउंट्स इन टैक्स हेवंस, यानी कि इन अकाउंट्स में अगर पैसे ट्रांसफर हुए, देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग द मनी बैक, दे आर गॉन फॉरएवर। स्ट्रेंज, एक साधारण सी औरत एक ऐसे अकाउंट वो भी टैक्स हेवन कंट्री में कैसे खुलवा सकती है? सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, पता करो कि पारुल से या उसके हस्बैंड से कौन मिलता है, यहाँ कौन कौन आता है। सर, दिए हुए अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए हम रेडी है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। हेलो पारुल, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं लेकिन उससे पहले हमारे भी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले सबसे कम उम्र वाले 5 बच्चों को रिलीज करना होगा। मैं एक को भी रिहा नहीं करने वाला। पर हाँ, अगर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो मैं एक एक करके इन बच्चों को इस दुनिया से जरूर रिलीज कर दूंगी। बाय द वे, मेरी सिर्फ एक डिमांड नहीं है सर। पारुल, ओके, ऑल राइट, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, ये तुम्हारी पहली डिमांड है। आगे क्या डिमांड्स है तुम्हारी? फिलहाल तो मुझे मेरे बच्चों को नींद आ रही है। रात के 10 बजने को आए हैं, उनका डिनर टाइम हो गया। बच्चों को क्या चाहिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी, क्योंकि अगर जिंदा रहे तो मीडिया के सामने आपकी तारीफ होगी कि पुलिस ने बच्चों का कितना ध्यान रखा, और अगर मर गए तो भूख से नहीं मेरी गोली से मरेंगे। आपको पाप नहीं लगेगा। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। ऑलराइट, ट्रांसफर द डैम मनी। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे शहर में बैड अंकल्स टेररिस्ट घुस आए हैं। पता है वो ना सब लोगों को ऐसे करके मार रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों के पेरेंट्स से मेरी बात हो गई है। वो सब लोग आज अपने अपने ऑफिसेज में रुकेंगे क्योंकि वहाँ वो लोग सेफ है ना, और उन्होंने मुझे कहा है कि आप सब लोग भी आज यहीं रुको, है ना। कल शाम को आपके पेरेंट्स आएंगे और आप सब लोग को लेके चले जाएंगे। सो इन अ वे इट्स लाइक अ ओवरनाइट स्टे। ये आप लोग कुछ नाश्ता कर लीजिए, दे दो। यहाँ मेरी बेटी की जान खतरे में और आप मुझे ये खिला रहे हैं? मजाक बना के रखा है, सुबह से रात हो गई। एक सेकंड, मैंने या मेरी फोर्स ने आप लोगों को नहीं कहा था कि ऐसी एक खतरनाक औरत और उसके हस्बैंड के पास जाके अपने बच्चों को छोड़ दो?
हम लोग यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, दिन रात सुबह शाम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारे दो कांस्टेबल की जान तक चली गई आप लोगों के लिए, उनके भी घर वाले हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। जाके देखिए कैसे मातम मना रहे हैं वो लोग। आप लोग अकेले बैठ के नहीं मातम मना रहे हैं यहाँ। तो क्या करें, हम भी हमारे घर में मातम मनाएं? मेरे माँ बाप बीवी सब खत्म हो गए पैंडेमिक में, एक अकेला बच्चा है चीकू, उसे भी खो दूं? पारुल जब अनाथ आश्रम में भर्ती हुई थी, रिकॉर्ड्स के अनुसार तब उसकी उम्र कुछ 8 साल की थी। अच्छा, कोई ऐसा है जो पारुल के बारे में ज्यादा जानता हो? मेरा मतलब कोई उसका दोस्त या रिश्तेदार? एक केयरटेकर थी जिसको वो मौसी बुलाया करती थी, वो केयरटेकर भी उसकी शादी में गई थी शायद। उसका नाम क्या है? सर आप जाके थोड़ी देर सो जाइए ना। सर लाउडस्पीकर पे डालो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग तो तुम्हारा गुड है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? रात भर की जगह इसलिए परेशान नहीं करूंगा। सीधा पॉइंट पे आते हैं। एक चार्टर प्लेन लगेगा इंदौर एयरपोर्ट पर, अरेंज तो हो जाएगा ना सर? कहाँ जाने का इरादा है? हाँ ये तो जानना पड़ेगा आपको, वरना आप फ्यूम कैसे भरवाएंगे? बस ज्यादा दूर नहीं, दुबई। और प्लेन कम से कम 10 सीटर होना चाहिए। 10 सीटर क्यों? हाँ क्योंकि मैं अकेले तो जाऊंगी नहीं, मेरे साथ मेरे कवच यानी कि मेरे बच्चे जाएंगे, कम से कम 6। मतलब 5 बच्चे और तुम्हारा बच्चा बिट्टू साथ में, और तुम और तुम्हारे हस्बैंड, मतलब 8 जने हुए। 2 जने और कौन? और चंदा मौसी। बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? 10वां कौन है? वो आप सोचिए सर। अभी 9 बजे, 12 बजे तक लंच भेज दीजिएगा और 12:30 बजे तक प्लेन का एयरपोर्ट पे होने का एविडेंस, वरना 1 बजे तक अपने किसी आदमी को भेज दीजिएगा बच्चे की लाश उठाने के लिए। कुछ तो है जो मिस कर रहे हैं सर, दिस इज मिसिव। पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो कि उनका रिश्ता किन किन के साथ है। वी आर मिसिंग समथिंग, यू नो, हु इज दिस 10th पर्सन, वी नीड टू नो। सो के पास जाना है, मुझे भी घर जाना है पापा के पास। माँ इन्हें घर भेज दो। एक काम करते हैं, सबको घर जाने को मिलेगा लेकिन उससे पहले खीर खाते हैं जो मैंने स्पेशली आप सब लोगों के लिए बनाई है, एकदम यम्मी खीर। तो हम क्रिमिनल का हौसला बुलंद हो जाएगा, कोई भी हॉस्टल रखेगा और कहेगा कि हमारे मांगे पूरी करो। सर ये लड़की कोई कॉमन क्रिमिनल नहीं है, जिसका मोडस ऑपरेंडी मैं पता हूं। ही इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल सर, एंड दैट मेक्स हिज वेरी डेंजरस। डेंटन ये आया यमी यमी खीर। चलो अभी सब बच्चे अच्छे से खीर खाओ और उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। लड़ 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 कहना चाहता हूँ, एंड आई थिंक विच मेक सेंस, ये लड़की पारुल एक सिंपल से घरेलू हाउसवाइफ है, कोई प्रोफेशनल नाम्स की ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं, ऊपर से रात भर सोई नहीं,
So obviously so story. Bad over. But hum log fit and fine, ready to go. So what are we waiting for? I don't understand. Yes, sir. We're ready. Then go ahead. लेकिन उसके पहले उसके घर के सारे इंटरनेट कनेक्शंस, टीवी कनेक्शंस काट दो। सर, this is a wrong decision, sir. It's my order. Okay? You go ahead, sir. चंदा नेटवर्क कट कर दिया मेरा। जैसा कि आप मेरे पीछे एक घर देख पा रहे हैं, इस घर में एक साधारण सी औरत पारुल नाम की, जिसका अब तक कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है, उसने 10 मासूम बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। जल्दी पैच करो। पारुल, गोली क्यों चलाई तुमने? बच्चे ठीक है ना? मैंने कहा था ना ऑफिसर, मुझे हल्के में मत लेना और ना ही मेरी बातों को। डोंट अंडर एस्टिमेट कॉमन हाउस वाइफ। चेक द फोटो। क्लिक कर, क्लिक कर। मरा नहीं है, बेहोश है, पर खून बहुत बह गया है। अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो मारा जाएगा। तुमने ये फोटो भेजी कैसे? हमने तो तुम्हारा इंटरनेट काट दिया था। मेरी बाई का फोन है, हॉटस्पॉट ले लिया। लेकिन अगर मेरा इंटरनेट और टीवी का कनेक्शन रिस्टोर नहीं हुआ वापस जल्दी, तो एक ना एक बच्चा और शहीद हो जाएगा। एंड बाय द वे, एक बच गया है। जी कहिए। अच्छा, आनंद अनाथालय में जो काम करने वाली केयरटेकर है वो यही रहती है? वो तो लॉकडाउन के टाइम पे गांव चली गई। अच्छा, कोई उनका एड्रेस होगा आपके पास? हेलो पारुल। पारुल, मैं खुद होम मिनिस्टर से बात करके उन्हें मनवा लूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक डिमांड माननी होगी। इस बच्चे को गोली ले दिए प्लीज, उसे जाने दो। अब बात कीजिए, मैं बच्चे को बाहर भेजती, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। अगर कोई चालाकी की ना तो ये बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन बाकी के सारे बच्चे मारे जाएंगे। Right. We cannot arrange a charter plane. इस हादसे से इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा आप एक बार सोच के देखिएगा सर। देखिए, पहली बार तो नहीं हो रहा है इस देश में कि मासूमों को बचाने के लिए टेररिस्ट से नेगोशिएट किया जा रहा है, पहले भी तो हुआ है ना सर। आप प्लीज सोचिएगा सर। आई लीव इट योर गुड सेंसेस। थैंक यू सर। सर, सर दरवाजा खुल रहा है। रियली? नौकरानी बुक टू वार। मैं उसके बेटे को मार रही थी, चंदा बीच में आ गई। हमने अपने बेटे के पैर पे गोली मार दी। कितनी बार था? वो कहता है ना, अंग्रेजी में चैरिटेबल देन जेट हूँ। तो आप ये सोचिए कि जो माँ अपने बच्चे को पैर में गोली मार सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा। दो लोगों को मार चुकी हूँ,
इसलिए अब 8 घंटे का विश्राम, उसके बाद फिर शुरू होगा अपना काम। आप इस लड़की को जानती है? इसका नाम पारुल है। आपने वादा किया था कि आधे घंटे में मेरी सारी मांगे पूरी हो जाएं। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें, ये मेरे बस की बात नहीं है सिर्फ इतनी जल्दी कुछ करना। मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ सर, सॉरी। Is over. Nidhi! Nidhi! Sir! Sir! Tell me! Sir, do it quickly! Sanjeev! Goodbye, Kissy. Goodbye, Kiss. Ye. गरम गरम कलछी से दे दो गुड बाय किस। तुमने अपने पति को मार दिया। मैंने आपको कहा था ना चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके पास 4 घंटे और हैं, उसके बाद मैं फिर से मारना शुरू कर दूंगी। और इस बार कोई बड़ा नहीं बचा तो अब की बार ना कोई बच्चा ही जाएगा। और इस बार मैं किसी को गोली नहीं मारूंगी, नींदों में उनके गले रेत डालूंगी ताकि किसी को तकलीफ भी ना। सर 4 घंटे हो चुके हैं सर, इसने अपने पति को मार डाला है, अपने अपने बच्चे के पैर पे गोली मारी है सर। काइंडली टेक ए डिसीजन सर, कुछ भी हो। सॉरी राकेश, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन सीएम नहीं माने। उनका कहना है कि इससे गलत मैसेज जाएगा सर। रियली सॉरी। और अब आपके पास सुबह 6 बजे तक का टाइम बचा है सर, वरना हर एक घंटे एक बच्चे की मौत होगी। तुमने तो कहा था मेरी बेटी को बचा लोगे, मार दिया उसने। तुम झूठे हो, तुम सब झूठे हो, तुम सब झूठे हो। तुमने मेरी बेटी को मार दिया, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। सर आ जी मैडम। सर ये कमला देवी है। नमस्ते सर। पारुल जब अनाथालय में थी तो वो इनके बहुत करीब थी सर, और इन्हें कुछ ऐसा पता है जिसे मुझे शायद ऐसा लग रहा है सर कि इस केस में कुछ मदद मिल जाए। सरकार ने उसकी मांग मान ली है, सुबह 10 बजे चार्टर प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। हेलो पारुल, होम मिनिस्टर ने तो तुम्हारी बात नहीं मानी थी लेकिन मीडिया के दबाव में आके तुम्हारी शर्त उन्होंने मान ली। प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे शाम 10 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको सर? ध्यान से सुनो, मैं ऑफलाइन बोल रहा हूँ। निधि के बॉडी को तुम उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर करोगे। डेड बॉडी बाहर आएगी, उसके पेरेंट्स इमोशनल हो जाएंगे, टीवी में दिखाया जाएगा, मीडिया वाले इस मुद्दे को उछालेंगे, सरकार में दबाव भी पड़ेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अकेला नहीं जाना सर। जानता हूँ, साथ में तुम्हारा बच्चा भी तो होगा जिसके पैर पे तुमने गोली मारी थी, और एक शख्स, तुम्हारा पाप, तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं, आपको कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा पुलिस को खबर नहीं होगी? अनाथालय में तुमने अपना सरनेम भगत लिखवाया था जबकि तुम्हारा असली सरनेम चंडेल है। तुम अजय सिंह चंडेल की बेटी होना, 10वां पैसेंजर
अजय सिंह चंडेल ही है ना? सर, उसके बाप ने अपने पड़ोसी के पूरे परिवार की हत्या कर दी, सबका गला काट दिया। उसकी बेटी पारुल को हत्या करके देवी पे भेंट चढ़ाना चाहते थे। सर, उसके बाप को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन मर्सी पिटीशन अटका पड़ा था सर, लेकिन अब वो भी रिजेक्ट हो गया। उसे जल्दी फांसी दी जाने वाली। तो आपको मेरी तीसरी और आखिरी डिमांड पता चली है। मुझे मेरे फादर के लिए जेल से रिहाई चाहिए और उनके साथ मेरा इंडिया से बाहर जाने का सेफ पैसेज। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि बच्चे सेफ है। मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मुझे दिखाओ जरा। देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। अब एक चीज और देखिए, अगर आपने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना, तो मैं इस रिमोट का ही बटन दबा दूंगी और उसके बाद सब कुछ बूम। नो पारुल, नो। मैं तुम्हारे पिताजी को छुड़ाने का बंदोबस्त करता हूं। ये रहा हॉल का मैप, बच्चे यहीं मौजूद हैं और मेरे पास एक प्लान है। ये है पारुल के पिता अजय चंदेल। आज इन्हें रिहा किया जा रहा है। आज से कई साल पहले इन्होंने अपने पड़ोस में पूरे परिवार का खात्मा कर लिया था। इनका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया है। आज हम इन्हें एयरपोर्ट तक फॉलो करेंगे। ये सब देखिए आप हमारे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे न्यूज चैनल अभी तक पे। आइए सर, आपका विश्वास बना रहे। एक बार गलती हुई मुझसे, अब की बार नहीं होगी। पारुल, पारुल मैं आ गया हूं। राकेश श्रीवास्तव, निहत्ता आया हूं मैं। देखो बाकी पुलिस वाले, उन्होंने अपना गन उतार दिया है। पारुल, राजीव शूट। आपका सर आ रहा है सर बीच में। आई एम सॉरी, आई कांट शूट। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास 6 सेकंड है, जस्ट शूट। इस केस को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इन मासूमों को बचाने के लिए हमने एक्सट्रीम स्टेप लिया। क्या करते, बच्चों की जिंदगी का सवाल था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, वो है पारुल की साइकोलॉजी। माना कि वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया और न जाने कितने परिवारों की जान जोखिम में डाल दी। समझ में नहीं आता है कि लोग दूसरों को दुखी करके खुद को कैसे खुश कर सकते हैं। काश पारुल ने वक्त पे अच्छी काउंसलिंग ली होती तो शायद उसके परिवार का यह हश्र ना होता, लेकिन उसने सही कदम नहीं उठाया, इसीलिए ऐसा भयंकर परिणाम हुआ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।